आरजू, मैं कई दफा मैंने कहा भी है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के गए हैं, पता नहीं इन्होंने डिग्री खरीदी है या ली है वहां से, इन्होंने ये नहीं पढ़ा कि ये पंजाबी लोग जो है इनका डीएनए क्या है, ये आपको ये क्या करेंगे, ये तो भाई इन्वेडर्स के गले में हाथ डालने वाले हैं। यहां पे इन्वेडर आए हैं तो हम मुसलमान हो गए, देखें बजाय उनसे लड़ने के हम उसके मजहब में चले गए। ठीक है, इन्वेडर को रेजिस्ट नहीं किया, हम उनके रंग में रंगे गए। सर वो तो कहते हैं ना तलवार के जोर पे इस्लाम फैलाया था, तलवार वो तलवार तो उस पे उठाई जाती है आरजू, जो आगे से तलवार उठाए, हम तो तलवार नहीं, हम तो हार डालते थे ना भी उनके गले में। मजा आया। यहाँ पे तो पठान भाई आते थे तो आप कहते थे आए आप, हम उनके गले में हार डालते थे। उर्दू जबान साथ ले आए जो अरबी और फारसी है, हमारा उसके साथ हमारी जबान तो संस्कृत थी। बिल्कुल, तो ये उसको इन्हें किसी ने नहीं बताया कि ये आपके साथ ये कौम जो है ये आज तक किसी के साथ नहीं खड़ी हुई, ये बातें बताई नहीं जाती। सबसे पहले मेरी नजर में जो पहले इस कौम की हिस्ट्री पढ़ लें कि इनका माजी क्या है, फिर इनके ऊपर बैट लगाया करें ना कि इन्होंने माजी के अंदर कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं। आज भाई हिस्ट्री की किताब कोई 10 रुपए की लेके पढ़ लेते बजाय इसके कि इतना टाइम जाया किया अपना भी और हमारा भी टाइम जाया किया इतना इन्होंने, खास साहब ने कहते हैं कि मैं रियासते मदीना बनाऊंगा, यार खुदा का नाम लो, वहां पे बॉलीवुड बन गया अब सऊदी अरेबिया में, वहां पे वो बॉलीवुड के कॉन्सर्ट करा रहे हैं, तो आपने हमें ऐसी ट्रक की बत्ती पिक्चर लगा दिया जो अब मेरा मकसद पॉसिबल ही नहीं है। हमारे अफगानी भाई भी भूल गए भी, अब तो वो भी जिहाद का जान छोड़ के वो भी कहते हैं नहीं हम अकादमी की तरफ जाएंगे। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिया पाकिस्तान में किन चीज़ों से आगे है तो बहुत सारी चीज़ें आप बता देंगे, अगर मैं आपको ये कहूं कि पाकिस्तान किस सी चीज़ में अभी भारत से आगे है, कोई एक जो आपके जहन में आती है। हाँ जी बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया कि अगर हमने इंडिया से तरक्की की है, दुनिया में तरक्की की है, तो वो एक ही शोभा है, बेईमानी और मांगने की टेक्निक। मांगने में हम पूरी दुनिया से आगे हैं। यकीन करें मैं अभी रिसेंटली पेशावर से होके आया हूँ, 8 दिन रह के आया हूँ। पठान लोग पंजाबी से बहुत नफरत करते हैं, यकीन करें बहुत नफरत। मैं पंजाबी हूँ, मैं वहाँ रह के आया हूँ, वो कहते हैं यार ये क्या लोग हैं, इनकी समझ हमें नहीं आती है पंजाबी की कि इतने डरपोक लोग हैं। ठीक है, अभी पठान हमसे अच्छे नहीं हैं, सिंधी हमें अच्छा नहीं समझते, एक पंजाब अलहदा, कश्मीरी हमें नहीं अच्छा समझते। ठीक है, बलूचिस्तान वाले पहले इंडिया के साथ मुजाकर, और पाकिस्तान फिर है किधर? ठीक है ना, 4 तो आपके बच्चे हों, 5 5 के नए अलग अलग अख्तलाफात हो। आज पाकिस्तान कह दे कि मैं तुम्हें सबको अलहदा करता हूँ 5 बच्चों को, ठीक है, तो ये आज ही अलहदा हो जाएंगे, ये किसी भी दिन अलहदा हो जाएंगे। ठीक है, जिस दिन ये अलहदा होंगे फिर पाकिस्तान नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। आगे स्वाद तुर्की गए हुए हैं तो वहाँ पे तो यही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तुर्की के विजिट पे आए हैं। माशाल्लाह, जब इनकी हरकतें देखी हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, इनकी वहाँ पे जो है ना औकात देखी है, तो मेरा सर जो है ना शर्मिंदगी से बाग बाग हो गया है। आपको लगता है किसी एंगल से कि ये वज़ीर आज़म है? मेरा, मैं इस पर इतमाद करने को तैयार नहीं हूँ, एक ले मैन हूँ, तो पूरी दुनिया इस पर इतमाद करेगी? ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, इसके घर के अंदर क्या हालात हैं इसको नहीं पता? हमने पाकिस्तान के को ऊपर जाते हुए तो पता नहीं देखना या नहीं देखना, लेकिन नीचे जाते हुए बड़ी अच्छी तरह से देख रहे हैं। सर ये कोई क्रिकेट का मैच हो जाए तो हम फौरन भारत से मुकाबला करने लगते हैं, हमें बताया जाता है कि अभी अभी जो आज़ाद कश्मीर गए थे ये बिलावल भुट्टो साहब, वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट पास की कि मैं आज़ाद कश्मीर ही नहीं, मैं तो जम्मू कश्मीर का भी मिनिस्टर हूँ। आपको क्या लगता है ये खून को गरमाने के लिए इस तरह किया जाता है या हकीकतन अभी कोई मतलब है कंपेरिज़न हमारा भारत के साथ? हमारा दरअसल ये जो है ना नॉस्टैल्जिया, ख्याली दुनिया, अब हम उससे आगे हैं बाहर। ठीक है, पहले हम समझते थे हम जो है ना वो हमारा हर लिहाज से मुकाबला इंडिया से है। किस लिहाज से हम इंडिया से मुकाबला करते हैं? 6 गुना बड़ा हमसे मुल्क है। ठीक है, 3री बड़ी इकोनॉमिक पावर है, उनके रिजर्व एसेट का आपको पता है? हम लोग, हाँ जी,
बांग्लादेश को हम लोग जिसको भूखा कहना चाहते थे ना, हम कहते थे बंगाली है। आज बंगाल जो है वो हर लिहाज से हमसे आगे है। हमारा मुकाबला तो बांग्लादेश से भी नहीं है, इंडिया तो बहुत दूर की बात है। हमारा मुकाबला अब सिर्फ हमसे जहालत से है। हम लोग गुलाम हैं, गोरों से हमने आज़ादी हासिल की 14 अगस्त 1947 को। अब हम लोग कालों के गंदमी लोगों के काले ही आते हैं, उनके गुलाम हैं। क्या आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं? अब दूसरी बात आप कर रहे थे कि जो है ना इंडिया के साथ हमारा मुआवजना है, किसी लिहाज से हमारा इंडिया के साथ मुआवजना नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ मामलों के अंदर जो है ना वो हम लोग जज्बाती हो जाते हैं। शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जो हैं, ठीक है, ये टीवी पे दिखाए जाते थे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर यही टीवी ना होता, मखसूस तबकों तक होता, तो शायद मुताला पाकिस्तान में हम क्रिकेट के मैच के भी चैंपियन ही होते दुनिया में। लगता है कि ये जो कहा जा रहा है कि अमेरिका को कि जी इनके पास जो असला है वो गैर महफूज है, वो बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई। पाकिस्तानी देखें, कब तक झूठ बोलोगे यार, कब तक झूठ बोलोगे? क्या आप महफूज हो? आप घर से इधर आते महफूज आते हो? आपकी बीवी कहीं जाती महफूज जाती है, ठीक है? जब एक इंसान, आम सा इंसान भी महफूज नहीं है, तो एटम बम तो यार कोई बड़ी चीज़ है ना, ठीक है? यानी कि हमारा असला गैर महफूज है? तो गैर महफूज ही है ना ये, तो हमारा एटम बम जिधर भी पड़ा है ये तो अक्सरी लोगों को पता है। आज अगर सियासतदान को पता चले, ये तो कब का चल चुलक होता, ठीक है, कब का तालिबान के पास चला जाता। इंडिया को तो यही डर है ना, जिस दिन टेररिस्ट के पास ये चला गया तो दुनिया ख़त्म है ना। टेररिस्ट तो पैसे लेता है ना, वो तो ये नहीं देखता कि मैंने इसको किधर चलाना है। वो पाकिस्तान में भी चला सकता है, वो इंडिया में भी चला सकता है, वो अमेरिका में भी चला सकता है, उसको तो पैसे चाहिए ना, ठीक है। देखो, जब कहीं भी आपको बिलफर्ज पता चले कि इंडिया के का असला गैर महफूज हाफ्तों में, आप भी जाके किसी से शिकायत करोगे ना? डायरेक्ट तो नहीं जाओगे जो अमेरिका को, इंडिया को कहोगे, आप उसको किसी को जाकर कहोगे यार इसका असला महफूज नहीं है, आपके मोहल्ले में किसी ने कोई आतिशबाजी का सामान बना रहा हो, जब उसकी कोई सही कवर नहीं करेगा, आप भी लोगों को इकट्ठा करोगे ना कि यार ये असले की फैक्ट्री इसने लगाई हुई है, पटाखे बना रहा है, कल यहाँ से जल जाएंगे, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ भी आप कहोगे ना, ठीक है। और अमेरिका को तो इसलिए कहा कि हम अमेरिका के गुलाम हैं, हमने तो सब कुछ अपना दिया हुआ है ना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी हमारे तो एस्टेब्लिशमेंट आती ही अमेरिका के कहने पे, हमारे जनरल जितने आते हैं, हमारे ISI सारे अदारे जो, ठीक है, पाकिस्तान का सियासतदान तो कोई मुखलिस नहीं है अपने मुल्क के साथ, ठीक है। ये हमारे अदारे इतने कमज़ोर हो गए हैं, पूरी दुनिया को दिखा दिया गया है कि जी हमारे अदारे इतने कमज़ोर हैं कि 200-400 आदमी आके हमारी बजा के चले जाते हैं, और फिर अभी देख ले रिटायर जनरल साहब को वहाँ पर कितनी गालियाँ सर हम फ्रांस में सुनाई गई है। अब मेरा ख्याल है जितने भी रिटायर फौजी जाएंगे सबको गालियाँ वो उनसे नवाजें ना। हम ऐसे ही मिनते तरले करते ठुड्डे खाते रहेंगे और फिर हमारा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, अब इनको अपनी औकात और अपनी आर्मी की औकात पता लगी है। अब धीरे धीरे इनके समझ में आ चुका है कि ये कितने बड़े जाहिल हैं और कितने बड़े डरपोक हैं, जो आज तक सिर्फ दुनिया को धमकियां देते आए हैं, इंडिया को धमकियां देते रहे हैं। अब इनके समझ में आ चुका है कि इनकी फौज कितनी नकारा है और ये खुद कितने बड़े कायर हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।